तो दोस्तों जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था, मतलब फाइनली बॉस मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो रजत और विवेक डेसाना आमने सामने आए हैं। नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। विवेक डेसाना और रजत दलाल आमने सामने आए। रजत दलाल और विवेक डेसाना की फाइट भी होने वाली है, प्रोमो भी हमने देखा, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये फाइट थोड़ी सी प्लान्ड तो है, मतलब कुछ पार्ट पे स्क्रिप्टेड भी लग रही है। मतलब ये वहाँ लड़ रहे हैं और कट टू यहाँ पर अगर देखूँ मैं तो बॉस मीटर में ये दोनों का ही नाम सबसे सामने आ रहा है, विवेक डेसाना का और रजत का। अगर आप ओपन करेंगे बिग बॉस का भी जियो सिनेमा वाला जो पार्ट है, जियो सिनेमा वो ओपन करेंगे या फिर जियो सिनेमा का इंस्टाग्राम पर अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें भी जो कमेंट सेक्शन है वो रजत दलाल के नाम से भरा पड़ा है और सब यही चाहते हैं कि पहला बॉस मीटर रजत दलाल जीते। और दोस्तों अगर उस हिसाब से मैं कहूँ, कमेंट वाइज कहूँ और वोटिंग वाइज कहूँ, तो जिस तरीके से बाहर रजत दलाल को एल्विस यादव और लवकेश कटारिया बाकी सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उस हिसाब से तो लगभग लगभग यही नज़र आ रहा है कि पहला बॉस मीटर जो है वो रजत दलाल एक तरफा जीतेंगे। बट ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। बट फिलहाल माहौल थोड़ा सा टेंस किया जा रहा है बिग बॉस द्वारा जानबूझकर कि भाई कौन नंबर वन पे आएगा, कौन नंबर टू पे आएगा, कौन बॉस मीटर में बाजी मार लेगा। बड़ा सवाल है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।